धार जिले के पीथमपुर सेक्टर 3 में स्थित फार्मा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित बंद पड़ी मिशन फार्मा दवाई कंपनी में बीती रात चोरी की नीयत से घुसे दो युवकों की कंपनी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने लाठी और डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। इस सनसनीखेज वारदात की घटना की सूचना लगते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बंद पड़ी दवाई कंपनी में बीती रात चोरी की नीयत से घुसे करीब 7 चोरों से फैक्ट्री में तैनात सुरक्षा कर्मियों और चोरों के बीच संघर्ष हो गया। कंपनी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से दो युवकों की हत्या कर दी, जबकि अन्य युवक मौके से फरार हो गए, जिन दो युवकों की मौत हुई है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। मैं आपका मोहित दुबे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूं बजरंग सेना से। अच्छा, क्या हुआ? 3 बजे समथिंग मेरे पास कॉल आया छोटू का, तो उसने बताया, बोले ऐसी सी बात हो गई है कि भाई है एक हमारा छोटा भाई, बोले वो उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, तो मैंने बोला कहाँ पे? तो उसने बताया कि ये जो अपने टेकरी पे एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल है डाक बंगला, तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे मैंने पूछा, मैंने क्या हुआ था पूरा मामला, मैंने जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने बताया कि ये 5 लोग थे जिसमें से ये लोग चोरी करने गए थे इस कंपनी मिशन फार्मा में। हाँ, तो वहाँ के गार्ड थे, तो जिसमें 3 लोग भग गए थे, 2 लोगों को पकड़ लिया था गार्ड ने। तो गार्ड ने पकड़ा तो उन लोगों को मारा। वो मारने के बाद एक परिचित था, तो उसने कॉल करा छोटू को, बोला कि इसको जानते हो क्या आप? उसने बोला हाँ, मेरा भाई है छोटा। बोले कि इसको छोड़ दो, मैं आ रहा हूँ उधर गेट पे लेने के लिए। तो उसने आगे गेट पे देखा तो दोनों लोगों को मतलब इन्हें बुरी तरह मारा था इन्होंने। तो जो छोटू का भाई था, तो छोटू उसको लेके चला गया। उसको ये नहीं पता था कि 7 वाले की डेथ हो जाएगी, या तो उसको भी लेके जाते वो। तो उसके बाद वो उसको लेके गए, रास्ते में ले गए, घर ले गए। घर के बाद घर में उसको मतलब दर्द उठने लगा पेट में, जो गुप्तंग होता है आदमी का या नीचे, तो वहाँ पर दर्द होने लगा उसको। तो उसने बोले ऐसा ऐसा घर वालों को बताया दिक्कत हो रही, तो ये लोग लेकर अस्पताल पहुँचे। पहले टेकरी पे पहुँचे, ये क्या बोलते हैं डाक बंगले। हाँ, तो डाक बंगले पे इन्होंने बोला कि और दूसरी जगह ले जाओ अस्पताल में, इसको थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो आगे ले गए, तो वहाँ पे भी मतलब डॉक्टर ने उसको ना ही कर दिया। दोनों की मौत हो गई? एक की डेथ हो गई, एक को नहीं ले गए थे। हाँ, एक तो यहीं पे था। हाँ, तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद FIR करवाई बगदून थाने पर। उसके बाद FIR करवाई, तो वो लोग अब उन्होंने अपना काम कर रहे थे, वो लोग ढूंढ रहे थे जो अपराधी है गार्ड वाले। यहाँ आके देखा तो वो कोई भी नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने ढूंढना चालू करा, हम 4-5 लोग मिलके इस मिशन कंपनी में आए। मिशन कंपनी में पूरा ढूंढे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला, और एक लाश और मिली, जो कि क्या नाम है, रोशन करके, हमें रोशन की एक लाश और मिली। तो तुरंत हमने TI साहब को संपर्क करा और उनको इस बात की जानकारी दी। कुल मिला के एक सिक्योरिटी गार्डों ने मारा जी। किस चीज़ से मारा, क्या बताया? डंडों से मारा, और पूरा उनका जो शरीर है नीला पड़ गया, डंडे पाइप इससे मारा। आपका नाम? मोहित दुबे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। जो प्रथम दृष्टा देखने में समझ में आया है कि ये 5-7 लड़के जो है इस फैक्ट्री में घुसे थे चोरी करने के लिए, और गार्ड द्वारा उनको, उनमें से 2 लड़कों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनके साथ मारपीट की, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है। अभी पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है, और आगे जिस हिसाब से फैक्ट्स आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कुछ आरोपी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस को हमने जो है रात में सूचना दी थी, लेकिन हमें बराबर कॉपरेट नहीं किया गया है। देखिए, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली थी, पुलिस इस जॉब पे लग गई है, और इसमें जल्दी ही आरोपियों को और आगे की जो कार्रवाई है। सर, इसमें क्या चोरी की नियति आ रही है स्पष्ट? देखिए, अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है, और इसमें जैसे आगे फैक्ट्स क्लियर होंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।